Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. रेडियो जिंदगी 1170 AM पर वेलकम लिसनर्स, मैं हूं आपके साथ ईरा। शो लेके आए हैं हीलिंग स्पेसेस विद वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु बाय रेवा कुमार। यस, रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट फ्रॉम वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु इज हियर वंस अगेन विद अस। अब से लेके 3 बजे तक शी इज ऑन एयर विद अस एंड शी विल हेल्प अस, शी विल गिव अस ज्ञान अबाउट वास्तु और कैसे हम अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं एंड कैसे सही दिशा में चलते रह सकते हैं, हाउ वी कैन डू इट राइट इन लाइफ विद डिवाइन वास्तु। लिसनर्स, बात करेंगे रेवा जी से कि कैसे, पिछली बार हम बात कर रहे थे अबाउट वास्तु कैसे एक साइंस है और ना कि एक सुपरस्टिशन है, क्या क्या तरीके होते हैं, कैसी कैसी चीजें जो है वो उभर के सामने आती हैं when you actually start talking about Vastu Shastra as a science and not superstition. तो उस बारे में बात करते हैं कि और कौन कौन सी चीजें हैं और कैसे ये रियलाइज हुआ, ये साइंटिफिक थ्योरीज कहां से आई पिक्चर में। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आप रेवा जी से बात करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके सवाल का जवाब दे सकें, आप कॉल कर सकते हैं स्टूडियो नंबर पे 5106571170। दैट्स 5106571170। और रेवा जी का डायरेक्ट नंबर फॉर आफ्टर द शो इज 5108683338। आप ईमेल भेज सकते हैं divineavc@gmail.com पर एंड द वेबसाइट इज worldofdivinevastu.com। रेवा जी जय माता दी, वेलकम टू द शो। ईरा जय माता दी, नमस्कार। हमारे रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। रेवा जी, जैसे कि पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे कि वास्तु पे लोगों का विश्वास होता है, कुछ लोगों को नहीं भी होता है, सुपरस्टिशन बोल देते हैं, लेकिन आपने कई बार इस शो में बात की है कि वास्तु सुपरस्टिशन नहीं है, वो एक प्रूवन साइंस है। तो इसी बात को कंटिन्यू करके मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि किस तरीके से ये रियलाइज हुआ, क्या वो स्टडीज थी, क्या वो एविडेंसेस थे जिससे ये प्रूव हुआ कि वास्तु शास्त्र जो है, जो वास्तु है वो साइंस है ना कि अंधविश्वास है। तो इस बात पे जरूर बताइए कि ऐसे कौन कौन से एविडेंसेस या ऐसे कौन से थ्योरीज प्रूव हुई जिनसे ये प्रूव हुआ कि वास्तु असल में है मनगढ़ंत नहीं। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा ये टॉपिक लिया और इसको हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये बिल्कुल भी सुपरस्टिशन नहीं है, दिस इज ए साइंस। और ये हजारों थाउजेंड्स ओल्ड इंडियन एंशियंट आर्किटेक्ट साइंस है। इवन के आर्किटेक्ट भी आज बिलीव करते हैं पूरे वर्ल्ड में ही। ये मैं नहीं कहूंगी कि सिर्फ ये इंडिया ओरिजिन है तो सिर्फ इंडियन से ही या एशियन से इसको बिलीव करते हैं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बिकॉज दिस इज साइंस एंड द होल यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। हमारी बॉडी भी इन्हीं 5 एलिमेंट्स के साथ में बनी हुई है, हमारा पूरा यूनिवर्स भी इस 5 एलिमेंट्स पे बेस पे बना हुआ है। आज जितने भी लोग प्रॉपर्टीज, चाहे वो आप कोई भी रिलीजन से हो जाएं, बिकॉज इट इज नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन, कि ऐसा नहीं है कि इंडियंस करेंगे, एशियंस करेंगे, हिंदू करेंगे तो दूसरा रिलीजन का करेगा, नहीं करेगा, नो। आप यकीन करिए ईरा, मेरे अमेरिकन कई क्लाइंट्स हैं, मेरे कई क्लाइंट्स मैक्सिकन है, फिलीपींस है, हर तरह के हैं, इवन के मोहम्मदंस भी हैं हमारे क्लाइंट जो बिलीव करते हैं क्योंकि ये साइंस है। अब इसका क्या सुपरस्टिशन नहीं है, क्योंकि ये उस समय एग्जिस्ट करती थी। सिर्फ इतना था कि ये वेद में थी, पुराण में थी। उस समय जो लोग बहुत बड़े बड़े घर बनाते थे, खुले घर थे, वो उस बेस के ऊपर में ही थे। लेकिन आहिस्ता 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 इसके ऊपर में स्टडीज की गई, इसके ऊपर प्रैक्टिकली इसके ऊपर वर्क किया गया कि अगर यहाँ पे कोई डिफेक्ट होता है तो हम उसको कैसे रेक्टिफाई करें।
आज का वक्त है, लाइफ बहुत तेजी से जा रही है, हर किसी ने इसके ऊपर में जिस जिस वास्तु एक्सपर्ट ने इस पे रिसर्च करी, इस पे स्टडी करी और देखा कि ये फैक्ट पाया गया कि ये सुपरस्टिशन नहीं होकर ये साइंस है। क्योंकि किसी भी साइंस को, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि थ्योरी के ऊपर में ही हम प्रैक्टिकल उसके ऊपर में काम करते हैं, उसी के जो रिजल्ट होते हैं वो हमारे को ये बताते हैं कि ये वर्क करती है कि नहीं करती। अब जैसे कि आप इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, वास्तु के जो प्रिंसिपल्स थे वही प्रिंसिपल्स हम उनको उन्हीं को ही नजर रख के हम इसकी रेक्टिफिकेशन करते हैं। अगर देखा जाता है कि जहां पर वास्तु प्रिंसिपल्स को फॉलो अप नहीं किया गया या वास्तु प्रिंसिपल बेस्ड वो प्रॉपर्टी नहीं है या घर नहीं है या बिजनेस नहीं है तो वहां पर बहुत तरह की प्रॉब्लम्स पाई जाती है। आज भी देखें कि कहीं भी अगर वास्तु बेस्ड वो प्रिंसिपल नहीं वहां पाए जा रहे, जैसे कि स्लोप ऑफ लॉट ले लीजिए, आप शेप ऑफ लॉट ले लीजिए, प्लेसमेंट्स ऑफ रूम ले लीजिए, हर कॉर्नर्स को देखना पड़ता है, उसकी एलिवेशन देखनी पड़ती है कि उसकी एलिवेशन कहाँ है। छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़ी चीज तक देखा जाता है कि वाइल कुकिंग स्टोव की पोजीशन किधर है, टॉयलेट की सीट्स किधर है, पानी की पोजीशन कहाँ है, जो वाटर फ्लो है वो किधर का जा रहा है, क्योंकि दीज ऑल थिंग्स रिलेट विद द एनर्जी, उस एनर्जी के फ्लो को कहीं ब्लॉक तो नहीं कर रहा। और जहां पर ये वास्तु प्रिंसिपल्स फॉलो अप नहीं होते वहां पे बहुत ही ज्यादा हेल्थ इश्यूज हैं, अनहैप्पीनेस है, आप कह सकते हैं कि लड़ाई में झगड़े वगैरह, बहुत ज्यादा अजीब अजीब सी चीजें होती हैं वहां पर। तो दैट्स वाई दिस साइंस हैज बिकम, आप ये कह सकते हैं कि टोटली वास्तु साइंस आज आर्किटेक्ट जो इसको फॉलो कर रहे हैं वो इसको सुपरस्टिशन को बिल्कुल बाहर लेके चले गए हैं। कई लोग सोचते हैं आज भी कि वो ओहो अपने डायरेक्शन को हम कैसे बदल लें, अगर सर करेंगे इधर तो इसमें क्या है, ऐसे पांव करके सो सकते हैं। ठीक है, सो सकते हैं, मैं ये नहीं मना कर रही कि नहीं सो सकते, लेकिन अगर साइंटिफिकली अगर आप देखें, अगर आप ये बोलते हैं कि अगर हम नॉर्थ की तरफ सर करके सो रहे हैं जी ये तो सुपरस्टिशन, ये क्यों कहा जाता है ऐसे, हम साउथ की तरफ सर करके क्यों सोए, लेकिन अगर आप इसका लॉजिक देखें, आप साइंटिफिकली देखें, अगर आप नॉर्थ की तरफ सर करके सोते हैं तो क्या नेगेटिव है, बिकॉज आवर हेड इज नॉर्थ पोल ऑफ बॉडी, नॉर्थ से जो मैग्नेटिक एनर्जी आती है वो क्या करेगी, एक चुंबक की तरह काम करती है, मैग्नेटिक एनर्जी वो एक दूसरे से जब क्लैश करेगी तो उससे क्या होता है, तरह 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 की रिफ्लेक्शन होती है, आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आप सोचेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। रिसेंटली मैंने वेरी रिसेंटली मैंने एक जगह पे विजिट किया और उस दिन में मैंने देखा लिसनर्स कि घर बिल्कुल बहुत ही अच्छा है, उनको मैंने आज से 6-7 years बिफोर आई टोल्ड देम कि आप जब भी घर लें तो नॉर्थ फेसिंग घर जरूर लीजिएगा, और उन्होंने नॉर्थ फेसिंग घर लिया, घर नॉर्थ फेसिंग है, वेरी गुड, बहुत ही खूबसूरत घर है, हर चीज अच्छी है, लेकिन उस घर की 2-3 चीजें बहुत थी। अब मैं ये इसलिए बताना चाहती हूँ, मैं हिस्ट्री को इसलिए बता रही हूँ, आपसे डिस्कस कर रही हूँ ताकि आप ये कहें, खुद यकीन करें कि ये किसी भी तरह का वहम या कह सकते हैं कि सुपरस्टिशन या कह सकते हैं कि आपको अपने मन को भटका रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब क्या है कि वहां पर घर सारे ठीक है, सब कुछ है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, एक तो वहां का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर था, एग्जैक्ट साउथ वेस्ट कॉर्नर आपके नॉर्थ ईस्ट से नीचे है, अभी 3 महीने ही हुए उनको इस नए घर के अंदर में, वो इतने खूबसूरत घर के अंदर, लेकिन आते ही उनके बच्चे को, उनके लड़के को प्रॉब्लम हुई है। क्यों? क्योंकि साउथ वेस्ट कॉर्नर बिल्कुल नीचा है, जब साउथ वेस्ट हमारा जो अर्थ एलिमेंट है, इट हैज टू बी एलिवेटेड, इट हैज टू बी हैवी, क्योंकि वो आपके घर की बॉटम है, अकॉर्डिंग टू वास्तु पुरुषा प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट में देखें तो साउथ वेस्ट को हमेशा हैवी होना चाहिए। आने के बाद इस घर में सबसे ज्यादा उस लड़के को प्रॉब्लम भी आई है कि बैठे बिठाए उनको चोट लगी है, घुटने से लेके पैर तक वो सही पाँव नहीं रख पा रहे, यंग बॉय 16-17 years की कोई एज नहीं है। अब क्या कारण है उसका, था साउथ वेस्ट, क्योंकि साउथ वेस्ट कॉर्नर एक तो कटा हुआ है, वहां पे मिसिंग है, प्लस वो एलिवेटेड नहीं है, अगर वहां पे एलिवेशन नहीं है तो वो आपको ग्रोथ कहाँ देगी। नेक्स्ट आ जाता है उसी बच्चे का, अगर नॉर्थ वेस्ट में अगर बेडरूम है, चलिए नॉर्थ वेस्ट में हम बेडरूम को कहते हैं कि ठीक है फॉर यंगस्टर्स बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए, ताकि उनको अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सके, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। अब वो बच्चा
नॉर्थ वेस्ट को ही यूज कर रहा है लेकिन उसके बाद में भी वो बच्चा सक्सेस नहीं है। अब उसका क्या रीजन है? क्योंकि बेड की पोजीशन पूरा उन्होंने नॉर्थ की तरफ में सर किया हुआ है। अब वो क्या कहते हैं कि हम आपका शो सुनते हैं रेवा जी, हमने बच्चे का जो बेड है, बेड की पोजीशन मतलब कि बेड है उसी कॉर्नर में, नॉर्थ की तरफ का ही है, जो उसका हेड बोर्ड है वो नॉर्थ को है, लेकिन रात को सोते समय बच्चा पिल्लो को चेंज कर लेता है, डायरेक्शन बदल लेता है। अब ईरा आप खुद बताइए, जब आप डायरेक्शन बदलेंगे तो आपके पीछे बिल्कुल खाली जगह है, हॉलोनेस है, पीछे सर के पीछे आपके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। जब आपको सपोर्ट नहीं है तो आपको मेंटली स्टेबिलिटी कैसे देगी जी? तो आपको जो हेड बोर्ड, आप कभी भी देखिए, अगर आप बेड लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, तो उसके पीछे हेड बोर्ड जरूर होता है। अगर कहीं आप नीचे जमीन पे भी मैट्रेस लगाते हैं तो भी आप बिल्कुल वॉल के साथ लगाते हैं ताकि आपके हेड को सपोर्ट मिले। अब वहां पर अगर आप सोचते हैं कि हमने सोने के समय सिर्फ पोजीशन चेंज कर ली लेकिन पीछे आपके खाली जगह है, तो वो आपको और भी ज्यादा स्ट्रेस देगी। वो आपको कहीं स्टेबिलिटी नहीं देगी। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे टू एवरीवन कि ये सुपरस्टिशन, दिस इज ए साइंस। साइंटिफिकली आप देखिए, अगर साइंटिफिकली हमारा साउथ वेस्ट में एलिवेटेड क्यों कहती हूँ, क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट है। अगर कोई भी जमीन खाली होगी तो वो बंजर भूमि बन जाती है, वहां पे कुछ भी फसल या कुछ भी ग्रो नहीं करता। सेम वे अगर हमारे घर का साउथ वेस्ट होगा, खाली रखेंगे तो आपके घर में वो ही होगा जो आप साउथ वेस्ट में रख रहे हैं। अगर आप उसको, उस एनर्जी को फील करेंगे, उस अर्थ एलिमेंट को हैवी रखेंगे, भर के रखेंगे, तो वो ही आप ग्रो करेंगे। सेम वे अब साउथ ईस्ट में ये सवाल उठा कि जी साउथ ईस्ट में अगर किचन नहीं है तो क्या करें, अब किचन का कैसे, मानते हैं कि अगर किचन नहीं है तो कैसे करें, लेकिन आप साउथ ईस्ट की किचन की एनर्जी को तो क्रिएट कर सकते हैं। उसका समय ये होता है क्योंकि जिस समय हमारी अर्थ रोटेट करती है सन के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ, तो उसकी जिस समय आप देखिए दोपहर को 12 बजे से 3 बजे तक उसकी पोजीशन ईस्ट टू साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट से साउथ की तरफ ट्रेवल करती है। जी जी। अब साउथ ईस्ट जो कि एलिमेंट उसका क्या है, फायर एलिमेंट, क्योंकि वहां पूरी हीट होती है। प्लैनेट उसका क्या है, वीनस, वीनस कौन है, फीमेल है। अब ये जो साउथ ईस्ट की एनर्जी है, अगर हमारी किचन साउथ ईस्ट में होगी, वाइल कुकिंग यू आर फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, आप नेचुरली है सनलाइट की एनर्जी को ले रहे हैं, आप हीट से जुड़ा काम कर रहे हैं जो सन से जुड़ा हुआ काम है, तो ये आपको पॉजिटिविटी देगा ही देगा। वही आपको फायर ही होती है जो आपके अंदर एक अर्ज लेकर आती है, आपको काम करने की प्रेरणा देती है, आपको इंस्पायर करती है। जब आप सही काम करते हैं तो आप उसका जो पैसा कमाते हैं तो इट इज रिलेटेड विथ योर फाइनेंसेस। तो तभी कहा जाता है कि साउथ ईस्ट फायर की जगह है जहां पे आप खाना बनाते हैं। अगर आप अब इसके ऑपोजिट अगर लेके जाए वेस्ट में किचन अगर हो, जी नहीं, अगर वेस्ट में अगर आप खाना बनाएंगे तो घर की फीमेल जो भी है, क्यों, क्योंकि उन्होंने ईस्ट को अपनी बैक दिखा रहे हैं। अब जब सन की पोजीशन देखेंगे, वेस्ट की तरफ सन सेटिंग का टाइम आता है, तो आप उसकी सन सेटिंग के टाइम की आप उस एनर्जी को नहीं ले सकते, तो क्या होगा कि आप खाना बना रहे हैं लेकिन आप बीमार भी चल रहे हैं जी, क्योंकि ईस्ट आपकी बैक में आ गया है। सो वी हैव टू मूव अकॉर्डिंग टू दैट। जैसे कि मैंने शुरू में कहा ईरा कि आर्किटेक्ट लोग इसको जरूर फॉलोअप कर रहे हैं आज ऑल अराउंड द वर्ल्ड में, बड़े से बड़े हमारे अमेरिका में भी काफी प्रॉपर्टीज हैं जो कि इस समय वास्तु बेस्ड हैं। और जिसको अगर हम 75% भी अगर इसको लेकर आते हैं तो आप ये सोचिए कि आपको कहीं पे किसी तरह की कमी नहीं होगी। रेवा जी, आपने बोला कि अमेरिका में भी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि वास्तु कंप्लायंट हैं। आई'ड लाइक टू यू नो रिक्वेस्ट यू टू थोड़ा उस बारे में बताने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं लोगों को, अपने लिसनर्स को याद दिलाना चाहती हूं दैट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कॉल अस राइट नाउ ड्यूरिंग द शो ऑन 5106571170। और अगर आप रेवा जी से शो के बाद बात करना चाहते हैं तो उनका डायरेक्ट नंबर है 5108683338।
8। ईमेल भी भेज सकते हैं अपने घर का नक्शा, अगर आप उन्हें भेजना चाहते हैं तो अपने घर का लेआउट बनाइए पेपर पे और उसमें डायरेक्शंस, डिग्रीज वगैरह सब लिख के आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं divineavc@gmail.com एंड द वेबसाइट इज worldofdivinevastu.com। जी रेवा जी, तो हमारे जो बचे हुए 5 या 6 मिनट हैं इस शो में, उसमें आप बताएंगे कि ऐसी कौन सी बिल्डिंग्स हैं या फिर ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो आप बताना चाहें अबाउट वास्तु कम्प्लायंस। बिल्कुल इरा जी, जब मैंने यहाँ पे 2010 में जब मैं अमेरिका में आई थी, आई वर्क विद द ग्रैंड होम्स जो डैलस में है, टेक्सास में है, मैंने इनके पास में साथ में इनके काम किया, इनको कस्टमाइज किया। और इस समय शिया होम्स भी हैं जिनके साथ में मैं ऑलरेडी पैनल पे उनके साथ में भी हूँ, जिनके लिए हम सारे काम घरों को देखते हैं। इसके अलावा भी लॉट्स ऑफ बिल्डर्स देयर आर कि जो अपने घर को अगर बनाना चाहते हैं या कस्टमाइज चाहते हैं जैसे कि क्लाइंट्स, तो हमसे हेल्प ले सकते हैं, जो हम बिल्डर हमारे को परमिशन दे देते हैं कि आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। और किसी तरह से अगर वो बिल्डर ने उस प्लान को चेंज करना चाहते हैं तो वाई प्लेसिंग सम प्रोडक्ट्स ऑन दैट वी कैन रेक्टिफाई दैट नेगेटिविटी, जो उस घर से प्लान के अकॉर्डिंग टू वास्तु अगर नहीं है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करें। लेकिन अगर लॉट आपके पास में है, जहां की मैंने बताया कि बहुत क्लाइंट्स हैं जो एक लॉट लेके चाहे वो अपनी फैक्ट्री बना रहे हैं, स्कूल बनाते हैं, मोटर्स बहुत क्लाइंट्स ने बनाया है अपनी लॉट के ऊपर में, उसी तरह से घर पे भी अपने अगर आपने लॉट के ऊपर में बनाया तो उसको भी हम बिल्कुल वास्तु प्रिंसिपल्स पे लेके चलते हैं। वहां पे ही मैं आपसे बताती हूँ कि जो घर भी वास्तु प्रिंसिपल के मुताबिक बनाया जाता है, क्योंकि आप ये देख लेते हैं कि आपको किसी ने कह दिया कि नॉर्थ फेसिंग घर लेना है। जी हाँ, लेना है नॉर्थ फेसिंग, लेकिन क्या वो नॉर्थ फेसिंग घर ले रहे हैं या एंट्रेंस डोर आपका नॉर्थ फेसिंग है कि नहीं, ये भी आपको देखना है। आपको बहुत ही खुद ही छोटी से छोटी डिग्री को काउंट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक के जो स्टेप्स होते हैं उस स्टेप्स के बीच में कौन कौन से नंबर का जो स्टेप के ऊपर में उस पे एंट्रेंस डोर नहीं होना चाहिए। आप जिस समय कोई वो लॉट लेते हैं, या अगर आप सोच लीजिए कि आप बिल्डर से बात करिए, आपको प्लान पसंद आए, आपको 6 मंथ के बाद वो घर मिल जाएगा, जो भी आपने लॉट लिया है तो आपको उस लॉट पे भी तो चेक करना है कि क्या उस लॉट की सॉइल आपको फायदेमंद देती है कि नहीं देती। हाउ टू चेक दैट सॉइल, उस सॉइल की एनर्जी से हम कैसे फायदा उठा सकते हैं, उस सॉइल की एनर्जी क्या हमारे को फायदा देगी कि नहीं, ये बहुत ईजी वे से हम देख सकते हैं। प्लस उसके बाद में आपको देखना है एलिवेशन को, जरूर ध्यान दीजिए, जितनी एलिवेशन आपकी साउथ और वेस्ट में हाई होगी उतना ही आप ग्रो करेंगे, क्योंकि आपको नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट के 7 पॉइंट्स को आपको अपने नजर में रख के चलना है। मैं जब भी किसी के यहाँ पे विजिट करती हूँ क्लाइंट्स, तो मैं हमेशा पहले उनको नॉर्थ ईस्ट से जो 7 पॉइंट्स हैं, 7 चक्रास हैं, जैसे हमारी बॉडी में 7 चक्रास हैं, वैसे ही वो जिस प्रॉपर्टी में अगर 7 चक्रास हैं तो हम उनको भी काउंट करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो चक्रास में या जो पर्टिकुलर 7 पॉइंट्स हैं कहीं वो डिप्रेस तो नहीं हो गए, या कहीं पे वहां कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जिसकी वजह से उन्हें नेगेटिविटी मिले। क्योंकि हर एलिमेंट की, हर कॉर्नर की एक एनर्जी है जो आपके साथ में, आपकी हेल्थ के साथ में, आपकी वेल्थ के साथ में, आपकी प्रॉस्पेरिटी के साथ में, आपके बच्चों के साथ, बिजनेस के साथ, फाइनेंसेस के साथ, ग्रोथ के साथ, हर किसी के साथ जुड़ी हुई है। टू गेट ऑल दीज थिंग्स इन योर लाइफ यू हैव टू फॉलो दिस वास्तु प्रिंसिपल्स इन अ प्रॉपर वे। मान लेते हैं कि हम 100% नहीं मान सकते कि कई बार सिटी अप्रूव नहीं करती, लेकिन हमारे पास उसकी सेकंड ऑप्शंस भी है। लेकिन अगर आप ये देखें कि सिर्फ आपने मेन एंट्रेंस डोर की तरफ देख लिया या हाउस फेसिंग की तरफ देख लिया, लेकिन बाकी 6 स्लोप या सेंटर ऑफ हाउस और जो हमारे रूम की प्लेसमेंट्स हैं, अगर हम उनको इग्नोर करते हैं तो इस मंच के हमारा वास्तु सही नहीं है और उसकी नेगेटिविटी हमारे पर आएगी ही आएगी। जी रेवा जी, विद दैट वी आर वेरी वेरी क्लोज टू द एंड ऑफ द शो। 1.5 मिनट हमारे पास में कुछ बचा है, कोई ऐसी टिप आज आप देना चाहें हमारे लिसनर्स को कि उन्हें जो अपने डेली लाइफ में वो इसे इम्प्लीमेंट करके फायदा उठा सकते हैं वास्तु का? जी हाँ, मैं बिल्कुल देना चाहूंगी टिप आज अपने सभी लिसनर्स को, और ये लिसनर्स उनके लिए टिप मैं देना चाहूंगी जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, क्योंकि अपार्टमेंट्स की जो आपको रेक्टिफिकेशन करने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होती है, और उससे आप कलर्स के साथ भी रेक्टिफाई कर सकते हैं, खास तौर पे साउथ
वेस्ट के लिए। अगर आपका अपार्टमेंट का जो घर का दरवाजा है साउथ वेस्ट को फेस करते हैं, जिसको अकॉर्डिंग टू वास्तु कहा जाता है कि वहाँ बहुत ही नेगेटिविटी मिलती है, सब कुछ ड्रेन करता है, लेकिन अगर अपार्टमेंट है हम उसको कुछ नहीं कर सकते, तो आपको बहुत सिंपल वे से आपको रेक्टिफाई करना है। आपको क्या करना है, अगर आपका अपार्टमेंट का साउथ वेस्ट की तरफ एंट्रेंस टू रहा है तो आप उसको बाहर की तरफ से डेकोर कीजिए। बाहर की तरफ से डेकोर करने के लिए आप खूबसूरत येलो कलर के फ्लावर्स ले लीजिए। जैसे कि हम बोलते नहीं है कि वंदन बार लगा रहे हैं, हम डोर के कॉर्नर को ऊपर से सजाते हैं, जो डोर है उसका ऊपर से सजाइए, खास तौर पे वहां पर येलो कलर के फ्लावर्स लगाइए, लेकिन प्लास्टिक के फ्लावर्स बिल्कुल नहीं। आप किसी सिल्कन क्लोथ के किसी अच्छी क्वालिटी के फ्लावर्स को ले सकते हैं, येलो कलर के, ऑरेंज कलर के अगर आप फ्लावर्स को लगा के साउथ वेस्ट को ठीक करते हैं तो वो भी आपको पेंट वालों के लिए मैं एडवाइस कर रही हूँ, उनको करने की कोशिश कीजिए। और साथ येलो कलर का आपका जो एंट्रेंस डोर है उसके बाहर की तरफ में तीन येलो कलर की आप लाइन पेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर में आप ऑरेंज कलर का, येलो कलर का फुट मैट रखिए, एंड देन यू सी कि जो एटलीस्ट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 100% ठीक पड़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट आप 50% आप 60% आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। थैंक यू रेवा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दीज टिप्स एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। शो यही खत्म होता है आज का, मैं आपसे बात करती हूँ अगले हफ्ते। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दीष्ट। एंड थैंक यू लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन। डू लॉग ऑन टू रेवा जी वेबसाइट worldofdivinevastu.com। यू स्टे ट्यून्ड टू रेडियो जिंदगी, जिए जाओ। Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the five elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra.